लेकिन जोन सोच के भाई हम घर से बाहरवा निकले थे कि हो, लेकिन भाई कोनो फायदा ना मिले थे हम भाई। का हो हासी भैया, का हो ये कौने दुनिया में रहा तो भैया तू का बे बाबू। अरे हम फूल लगाई तो सबसे पहले भाई साहब मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा क्योंकि मैं मसाला खाया हूं ऑलरेडी, और ये चीज जब आप लोग देखते हैं हमारे वीडियो में तो आप सबको बुरा लगता है, तो हमने पहले ही माफी मांग ली आप लोगों से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वहीद ब्लॉग में। तो चलते हैं आज की वीडियो शुरू करते हैं। भैया जब से भाई लोग गए हैं सिद्धार्थनगर में गाना वाला वीडियो शुरू करे तब से मैं सिसवा नहीं गया हूँ, वो लोग मुंबई भी जा चुके हैं। कुछ भाइयों का कहना है कि भाई आप लोग क्यों नहीं गए, तो भैया उसमें जाना ना जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि मर्जी नहीं थी इसलिए नहीं गए, और जो लोग जाना चाहते थे वो लोग गए। हम लोग इधर ही घूम टहल रहे हैं, कहीं डुमैयागंज जा रहे हैं तो कहीं बांसी जा रहे हैं तो कहीं नेपाल जा रहे हैं तो कहीं कहीं पर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे मतलब जब तक वो लोग नहीं आएंगे तब तक ऐसे हम लोग भी मतलब इधर उधर घूमते रहेंगे। तो आज हमने प्लान किया है कि आज हम जा रहे हैं सिसवा, तो सबसे पहले वसीम भाई को हम कॉल कर ले, पूछ ले कि वसीम भाई हैं कहाँ पर। तो मैं बात ही कर रहा था और वसीम भाई का फोन भी आ गया, तो चलते हैं कॉल करते हैं पूछते हैं कि कहाँ पर हो तुम। अगर सिसवा है तो डायरेक्ट मैं सिसवा चला जाऊंगा, अगर वो गांव पर है अपने बीरपुर तो मैं बीरपुर चला जाऊंगा, और अभी मैं पूछता हूँ। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम, कहाँ हो? अरे यह निकले हैं भाई ना घर से, तो ही इतनी भर अटका हर बस पहुँची थे। कहाँ हस? अब भाई मेरे कलवा तो हम जाते हैं करे, मान लो तो कलवे जात रहे करे तो अब करते हो जी मिनट होगा तो चलो हम यहाँ लेटर है नमो हम के यार आवा ने इंतजार करत आग लग गए आप उठे बताओ 4:30 के अभी तक। हाँ तो ऐसा है कि तू तैयार हो ना काबले हम पहुंची था फटाफट भाई। ठीक है नौटंकी बदी ना की हो ना? कौन नौटंकी? नौटंकी मतलब चड्ढा ओ सीना के ना आई हम ये दे रही तू। मेरे भाई मैं रास्ते में हूँ यार, आ रहा हूँ यार, टेंशन ना ले भाई। ठीक है हाँ ठीक ओके भाई। तो वसीम भाई अपने घर पे हैं और मैं उनके घर जाऊंगा, उसके बाद में जाऊंगा सिसवा या ना भी जाऊं, लेकिन अब देखते हैं वहां पर पहुंचने के बाद में। तो भाई साहब हमारे भाई लोग मुंबई में एंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, मस्त हैं, और हम अपना इधर मज़े ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है तब तक घूमते रहेंगे जब तक वो लोग नहीं आते हैं। तो आज चल रहे हैं फिलहाल सिसवा के लिए और देखते हैं कि क्या होता है। और एक बात बताना चाहूँगा मैं आप लोगों से कि भाई जो नेपाल वाला मैंने ब्लॉग डाला है दो, पहला और दूसरा, वो बताइए कैसा है और कैसा नहीं है, फिर मैं बीच में प्लान कर रहा हूँ जाने के लिए, मौका मिलता है तो जाएंगे नेपाल, नहीं तो फिर बहुत जगह बाकी है और बहुत जगह मैंने लोगों से वादा किया है कि भैया ठीक है हम आएँगे घूमने के लिए, आएँगे टहलने के लिए, तो जहाँ पर जाएँगे वहाँ का ब्लॉग आप लोग देखते रहिएगा। अब इससे पहले जो वाला काम हमारा है ये बीरपुर और सिसवा वाला, इसको कर आए निपटा आए, उसके बाद में फिर आगे वाला सीन देखा जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं वहां पर होता क्या है। ओके पहुंच रहा हूं भाई, का करी दुसवा, कसम से जीरा ही घरा लागत नहीं है, कौनो है नहीं, बस रात रहा तो दिन अपार हो जात रहा, खाली घरा से सिसवा जाग रात रहा। अब वीडियो बना तो ठीक है, ना बना तो ठीक है, आवे के वही टाइमिया तो टाइमिया आराम से निकल जाता रहा। और भैया यारियन जी आज 3-4 दिन से बताई थे ही जहिया से नेपाल से आए हैं एकदम जियरा वाला कचाई जाते घरा, कहाँ जाई का करी का ना करी, यही घर पर ऐसे बैठा रहा। तो आज हम कहें कि चली था यार घूम आई थे वही ना वसीम भाई कुल वीडियो वीडियो काबले हमारे मोबाइल से बनाई ना तो वह वाला बनने देगी थे। और अकेले बाद में काम खत्म हो जाए कुल रील वीडियो बनाए ना वसीम बहुत तो हमारे में यहाँ पूरा है मोबाइल तो वह सब अपन दे वही देवे, ओकरे बाद में अगर कुछ बन पाई तो बनवाई लेबे और नहीं बन पाई तो कोनो बतिए ना है, सोचे रहें कि
एक दो तीन चार मिनट के आपने कॉमेडी वीडियो या इमोशनल वीडियो अपने वाहन बना ली थे तो ठिकाई जाते। अब कौन स्टोरी है ना कि चलो कौन स्टोरी हुए, अब वहाँ जाए बात में अगर आएंगे दिमाग में तो बनी नहीं तो नहीं बनी। बस यह है कि टहर घूम के चलाई भाई आप लोगों के वहीं के दर्शन कराए दे भाई। भाई नेपाल वाला जो हम ब्लॉग बनाए हम सुपा देवराली वाला ही, ये ब्लॉग में यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करे पड़ा है और एडिटिंग में यहाँ बहुत मेहनत करे पड़ा है, लेकिन जोन सोच के भाई हम घर से बाहरवा निकले थे कि हो सके थे बाहरवा निकले तो लोग मिलेगा हमार च्वाइस करिए ज़्यादा ही, लेकिन भाई कोनो फायदा नहीं मिला था हम भाई। जोन बलकवा यही कह रहा था जितना न्यूज या हमें मिलता है उतने बाहरवा जाए थे बाहरों के मिलते हैं। अल्लाह बेहतर जाने कि आखिर में कौन ऐसा चीज़ हमें मान है कि हम डाली थे और उसके बाद में नहीं चलत है। अगर कहूँ वहीं पर है काबले कौवाली तकरीर या और कुछ मतलब ऐसा चीज़ अगर डाल दी थी या बारिश वारिश के काबले या कोनो ऐसा चीज़ ही तो यही मेर के चला था कि हम सोच नहीं पाई थे। तो आखिर में बलगवा में कौन ऐसा खराबी है कि जो चलत नहीं है मेरे भाई, हम यह चीज समझ नहीं पाए आज तक। ये कितना वीडियो पड़ा है, कितना दिन से वीडियो बनाई थे, कितना दिन से काबले ही मेहनत करी थे हम, खुद सोचो आप लोग। नेपाल वाला जो रहा ही अगर ना देखे हो तो जाए देख सकता हो, ये एक नंबर के वीडियो है। अगर ना मजा आई ना तो वही कमेंट में जोन बना हुई तो कहो हमने फोन मेर के बनाए हैं। बाकी बड़े पूर्वा पहुँच चुके हैं, वीरपुर पहुँचे में यहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट और लगी हमने, तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ। ये है वीरपुर गाँव। हम तो पूरे एक हफ्ता के बाद में आज शिशवा हम आए हैं। कहीं सब भुलाएगी हाँ शिशवा कह रही है अगर कहूँ आएगी हुई है हाँ तो क्या जान ली हो जो खड़ी ही समझ में ये बरवा टान तो ढेर रहे हैं कामरे को आएगी वो तो क्या जान लो वायरल के लिए कोई हम हाँ यहाँ का पप्पा है। ए गुड्डून भाई हम केमरवा टान ले रहे ना कहू आएगी है तुमको तो वायरल कह दे भाई साफ बात है। क्या का तोरे मलकिन का तो हरियन का करे घूमेगो हम खोले हैं तैसे लुप से बाहर आई ही हां तोहार तो हम नियत ही खराब हम में लागत है यार। तू ऐसा हमें तो लागत है सिर्फ मुड़ोक बरवा और दरिया पाक गए तू वकील यही में यहाँ हो भैया तोरे सब बताए जो ही कि हमार नियत कौन मेर क्या है कमेंट करके बताए हमें गुड्डून का दिखावे खाए ठीक है। बाकी देखो हमारे सब मिलने जुलने वाले भाई लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये चचा बप्पा हमार सब हैं यहाँ और लड़के यहाँ कटिया लगावट है ऐसा ही गलका का सीजन है ही खाली गलका मारत है ये कैठू मारे रसवा का सिधरिए मरबई करबो मारो। बाकी यार मजार गुड्डून भैया चाय लाए नहीं भैया बड़ा प्यार से हमने कटिए ई कौन चाय हुआ है रोजे ऐसन गोरहर प्यार है ना। वाह भाई वाह क्या बात है। अरे तो मसाला वसाला डाल दे यार जीरा उरा भाई डाला हमार मसाला पर हां क्या बोला चलो ठीक है। आओ हासी भैया आओ हो कौने दुनिया में रहा तो भैया तू का बे बाबू। अरे हम फूल लगाए थे फूल तो हर लगते नहीं है बताओ कौने ऐसन जगह पे यहां है कि फूल नहीं लगा तो हमरे गांव में तो कोई नहीं रहता यार हम पहली बार सुनी थी कि भैया नेटवर्क में रहता है पहाड़ी चला जाओ तो नेटवर्क मिला था उसका बताओ। तीनों गांव में नहीं रहते भैया सब परेशान है सब परेशान है पूछो बहुत दिक्कत है। तो हम कही भैया कि आखिर में फोन में काहे नहीं लागत है बहू वहाँ लखनऊ रहते हो तो पट से उठा लेते हो यहाँ आओ तो फोन में नहीं लागत है भैया कौनो ऐसा जगह है भारत में यहाँ कि जहाँ नेटवर्क ना रहे फोन ना लागे। पहली बार सुनी थे काबले कि बसंतपुर भगौर मदरावा यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है अब तू ही बताओ तू सुनो ना तू देखो चार मनी जब भी बैठे तो मोबाइल निकाल के बैठा था एक को जने कोई मोबाइल निकाले तो देखो मोबाइल
से निकलने के बाद में हम सीधे पहुंचे थे यहाँ बसंतपुर, और तो शोएब भाई थे, तो शोएब भाई को एक न्यूज कलेक्ट करना था यहाँ पर लोगों के बीच में आकर। नेटवर्क प्रॉब्लम है इस गांव में, इसीलिए मतलब यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा पीड़ित है नेटवर्क की वजह से, तो वही मतलब इनको न्यूज कलेक्ट करना था, तो इनका हो चुका है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने ब्लॉग में यह भी ऐड कर दूँ और दिखा दूँ आप लोगों को कि ये गाँव जो है मदरहवा, बसंतपुर और भगदौर, तीनों गांव मतलब एक ही में लगता है, तो तीनों लोग मतलब नेटवर्क की वजह से ज़्यादा परेशान हैं। तो वही सारा चीज़ हो रहा था। बाकी ये व्यू देख सकते हैं यहाँ का, ये देखो छगड़ी वगड़ी चढ़ावे गए हैं भैया लोग, उनकी दुकान है, चौराहा है, नया चौराहा कायम हुआ है यहाँ पर, यहाँ ये देख सकते हो। हाँ भैया, हाँ 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 भैया, हाँ हाँ हाँ। तो बस आज के वीडियो में इतना रहा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है।